हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अरुणा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, VKB, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट एनाटॉमी के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। ये PSC पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड का टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं प्लांट के चार जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानकर, क्योंकि एनाटॉमी को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें जो प्लांट्स हैं उनकी जनरल मॉर्फोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से प्लांट के पार्ट होते हैं? लीव्स, स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर। तो सबसे पहले हम जिस की बात करेंगे वो है लीफ। लीफ के फंक्शंस क्या होते हैं? पहला है मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। पत्तियों में एक हरे रंग का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। उसके थ्रू पत्तियां फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाने का काम करती हैं। सेकंड है साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। पत्तियों के माध्यम से जो गैसेज हैं उनका एक्सचेंज भी होता है। कौन सी प्रोसेसेस में होता है? फर्स्ट है रेस्पिरेशन एंड सेकेंड है फोटोसिंथेसिस। थर्ड जो मेन फंक्शन है लीव का वो है स्टोर फूड। ये फूड के स्टोरेज का काम भी करती हैं। नेक्स्ट आता है टिश्यूज ऑफ द लीफ। इसमें हम बात करेंगे इसकी एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस में सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है उसको कहा जाता है क्यूटिकल। ये वैक्सी सब्सटेंसेस की बनी होती है और ये वाटरप्रूफ लेयर होती है जो कि प्लांट्स में पानी को रिटेन करने का काम करती है। नेक्स्ट जो पार्ट है एपिडर्मिस का वो है स्टोमेटा। ये क्या है? ओपनिंग्स होती हैं एपिडर्मिस में, मेनली लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ लीफ। और इसके अलावा स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। आगे है टिश्यूज ऑफ द लीफ। कौन से टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो एपिडर्मिस का पार्ट है? यहाँ पे बात करेंगे गार्ड सेल्स के बारे में। ये दो सेल्स होती हैं जो कि लोकेटेड रहती हैं ऑन ईच साइड ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के दोनों साइड में। स्टोमेटा गार्ड सेल में ओपन और क्लोज होते रहते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है लीफ का वो है मेसोफिल लेयर। मेसोफिल लेयर जो है इसमें पहला जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो है पैलिसेड मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल में क्या होता है? ये प्राइमरी साइट होता है, मुख्य साइट है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। सेकंड इसमें क्या प्रेजेंट है? कौन सा टिश्यू है? स्पंजी मेसोफिल। इसमें एयर एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा स्पंजी मेसोफिल में फोटोसिंथेसिस एंड गैसीय एक्सचेंज भी होता है। इसके बाद में लीफ के जो टिश्यूज हैं वो हैं वैस्कुलर बंडल। इनको वेंस भी कहा जाता है। स्पंजी मेसोफिल में फ्लोएम मूव्स फूड फ्रॉम लीफ टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। वेस्कुलर बंडल में जो फ्लोएम होता है, यानी वेस्कुलर बंडल किससे मिलके बनते हैं? ये जाइलम एंड फ्लोएम से मिलके बनते हैं। फ्लोएम का काम है फूड को लीफ से प्लांट के बाकी पार्ट्स में पहुंचाना। दूसरा जो टिश्यू होता है वेस्कुलर बंडल में, जाइलम, इसका काम होता है वाटर को मूव कराने का और मिनरल्स को मूव कराने का अप टू लीव्स फ्रॉम रूट्स। रूट्स के माध्यम से वाटर और मिनरल्स को मूव कराने का काम होता है जाइलम का। तो जाइलम एंड फ्लोएम मिलके बनाते हैं इसके वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि सबसे ऊपर की तरफ जो लेयर है एपिडर्मिस में, ये क्यूटिकल है, ये अपर एपिडर्मिस है लीफ की, और ये वाली है लोअर एपिडर्मिस।
और ये नीचे की तरफ स्पंजी पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द लीफ। कौन कौन से एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं लीफ के? पिटियोल, ये कौन सा पार्ट है? लीफ स्टॉक और पार्ट दैट कनेक्ट द लीफ टू द स्टेम, यानी कि पत्ती के पीछे की तरफ का जो पतला पार्ट है जो कि स्टेम से इसको जोड़ता है वो पिटियोल कहलाता है। सेकंड है ब्लेड, ये जो बड़ा और फ्लैट चौड़ा भाग होता है पत्ती का वो ब्लेड कहलाता है। थर्ड है मिडरिब, ये बिल्कुल सेंटर वाली जो वेन होती है वो मिडरिब कहलाती है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पिटियोल है जो कि पत्ती को स्टेम से जोड़ने का काम करता है, और पत्ती का जो चौड़ा भाग है ये वाला ये कहलाता है ब्लेड, एंड जो इसकी सेंट्रल वेन है वो कहलाती है इसकी मिड रिब। आगे हम पढ़ते हैं लीफ के फॉर्म कौन कौन सी शेप की ये हो सकती है। लीनियर हो सकती है, ओवल हो सकती है, थर्ड है ओब्लोंग, फोर्थ है ओवेट, इसके बाद में है ओबोवेट, स्केल लाइक, ऑल लाइक, डेल्टोइड, कॉर्डेट, एलिप्टिकल, लेंसियोलेट एंड नीडल लाइक। तो ये लीफ के फॉर्म हैं, शेप्स हैं। नेक्स्ट है लीफ के मार्जिन, किनारे किस प्रकार के हो सकते हैं। एंटायर, जिसमें किसी भी प्रकार के कटिंग नहीं होती। अंडुलेट, लहरदार। फाइनली सिरेट, यानी छोटे छोटे दांते लाइक स्ट्रक्चर होती है। कोर्सली सिरेट, इसमें थोड़े बड़े जो दांते हैं वो होते हैं। देन आता है डबली सिरेट, दो बार, ये है क्रीनेट और ये है लोब्ड, ये पाली जैसी दिखती हैं, छोटी छोटी पालियाँ बनी होती हैं पत्ती के किनारे पे। आगे जो टॉपिक है वो है लीफ टिप्स, लीफ का जो ऊपर का पार्ट है टिप उसकी किस प्रकार की हो सकती है। पहला है एक्यूट, सेकंड है एक्यूमिनेट, थर्ड है ब्रिस्टल टिप्ड, इसके बाद में आता है ट्रूनकेट, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज। तो ये लीफ का जो टिप्स, टिप का जो पोर्शन है उनकी शेप है। नेक्स्ट आता है लीफ बेसिस, लीफ का बेस, टिप पोर्शन के बारे में हमने देखा, बेस उसका आधार कैसा हो सकता है। क्यूनेट, ऑब्ट्यूज, थर्ड है कॉर्डेट, फोर्थ है ट्रूनकेट और नेक्स्ट है ओब्लिक। नेक्स्ट पॉइंट है लीफ अरेंजमेंट, किस तरह की पत्तियाँ हो सकती हैं अरेंजमेंट के बेसिस पे। तो दो टाइप की होती हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में आप देख सकते हैं पहला है अपोजिट, आमने सामने पत्तियां हैं। अल्टरनेट में, अल्टरनेट वे में ये पत्तियां लगी रहती हैं, वॉल्ड, चक्रिक, यानी एक चक्र में पत्तियां प्रेजेंट होती है। दूसरा जो टाइप है अरेंजमेंट में वो है कंपाउंड लीफ, इसमें पहला है पामेटली कंपाउंड, सेकंड है पिनेटली कंपाउंड एंड थर्ड है बाई पिनेटली कंपाउंड लीफ। थैंक यू।